ओम शांति। आज की तारीख है 12/3/23। आज हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी प्राण अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली 18/1/94 यानी 94 की यह मुरली है, जिसका शीर्षक है ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान स्नेह की शक्ति। सर्वप्रथम शक्ति कौन सी बाबा ने दी? स्नेह की शक्ति, अर्थात शिव पिता ने आके सर्वप्रथम हम बच्चों को प्यार दिया। उसके पश्चात ज्ञान, योग, पढ़ाई जो भी देना था तत्पश्चात दिया। तो फिर अव्यक्त बाप दादा बोले, आज चारों ओर के सर्व बच्चों की स्नेह भरी स्मृतियां समर्थ बाप दादा के पास स्नेह के सागर के समान पहुंच गई। हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम समाया हुआ है और दिलाराम के दिल में सर्व स्नेही बच्चे समाये हुए हैं। स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। तो आज बाबा ने हमें 9 अमूल्य रत्न दिए हैं। सभी गिनती करना और याद भी रखना। नंबर 1, स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती। मेहनत मनोरंजन बन जाती है और खेल लगता है। नंबर 2, स्नेह की शक्ति देह और देह की दुनिया सेकंड में भुला देती है। स्नेह में जो भी भुलाना चाहें वो भुला सकते हैं और जो याद करना चाहें उसमें समा जाते हैं। नंबर 3 है, स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। नंबर 4, स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है। नंबर 5, स्नेह सदा हर समय परमात्म साथ का अनुभव कराता है। नंबर 6, स्नेह सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का और छत्र छाया समान अनुभव कराता है। नंबर 7, स्नेह असंभव से संभव इतना सहज कर देता है जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है। 8वीं बात है, स्नेह निष्पल निश्चिंत अनुभव कराता है। निष्पल माना हर पल। नंबर 9, स्नेह हर कर्म में निश्चित विजय स्थिति का अनुभव कराता है। ऐसे स्नेह की शक्ति को अनुभव करते हो ना, तो याद प्यार देते हुए बाप दादा बोले, चारों ओर के दिलाराम के दिल में समाये हुए बच्चों को सदा मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा परमात्म स्नेह के संगम युग को महान अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्नेह की शक्ति से बाप के साथ और दुआओं के हाथ को अनुभव कर औरों को भी अनुभव कराने वाली विशेष आत्माओं को सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समान बच्चों को स्नेह के सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान स्नेह के सागर शिव पिता परमात्मा का, खुशी के खजाने से संपन्न बन, सदा खुश रहने और खुशी का दान देने वाले महादानी भव। बाप दादा कहते हैं, संगम युग पर बाप दादा ने सबसे बड़ा खुशी का खजाना दिया है। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो और सारा दिन उसी खुशी में रहो। ऐसे खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो, यही सबसे बड़े ते बड़ा महादान है। क्योंकि दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची अविनाशी खुशी नहीं है। आपके पास तो खुशियों का भंडार है, तो दान देते रहो, यही सबसे बड़ी सौगात है। स्लोगन है, महान आत्माओं का परम कर्तव्य है क्या? उपकार, दया और क्षमा। अच्छा, ओम शांति।